अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद अल खैरी। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त हम दो ब्लॉक रोड पर मौजूद हैं जहां पे नज़ निसार सन्स वाले हैं, और ये आप देख सकते हैं वीडियो। हमारे रहायशी हैं यहां पे दो ब्लॉक के, वो काफ़ी परेशान हैं। उनके बिल्कुल घर के आगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है, और ये बीमारियों वाला मामला है, और इससे इतने परेशान हैं कि वो बता नहीं सकते। अपना दर्दनाक जो वाकया है वो खुद सुनाएंगे कि उनके साथ क्या बीत रही है। जी बड़े हो तानू की ये दिनाल परेशानी है ज़्यादातर बीमारियाँ जी लगती है ना, और की लगता है परेशानियाँ बड़ी बीमारियाँ गंदगी फैली हुई सब थोड़े सामने। तो किन्ने देर बाद बंदे आते हैं इतने यूसी के? 15 दिन तो हूँ आते ही नहीं। देख लो थोड़े सामने कोई बंदा नहीं आता, कोई गड्डी नहीं आ रही, कोई ट्रक नहीं रखी चा, कोई कुछ नहीं, कोई गल नहीं, कोई ते बात नहीं। अपना होर मोहल्ले दे लोग कोशिश नहीं करते ताड़े? बड़े सारे ही सारे ही कोशिश कर रहे हैं। काउंसलर वगैरह है ऐसी गली दे विचे अगे जाके? हां जी सब ने मिंता की कुछ, कोई भी नहीं सुनदा। अज मल हाशमी साहब को भी नहीं कोई जानदा, कोई सुनदा ही नहीं हैगा जी। ये सुनदे हो ते कूड़े दे ढेर क्यों लगे हो? असि बड़े परेशान आ ना, असि अंदर बैठ जोगे ना बाहर ना बाहर बैठ जोगे ना, अनु कोई गल सुने। सही, कितनी देर हो गई इथे थानू रहिश ते? इथे सानू 22 साल हो गए। 22 साल 22 साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਸੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੀਪਲ ਪਾਲ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਨਦਾਰ ਲੱਗੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੂੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਾਲਬਾਤ ਰੱਖੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ, और ये हमारे बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, माँ जी भी हैं, और ये आप देख सकते हैं हम निसार सन्स टेंटों वाले हैं। ये निसार सन्स वाला सेटअप भी आप देख सकते हैं, और ये नाले वाला रोड है जो कि ये अल करीम चौक से रास्ता आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये रास्ते में ये कूड़ा, मैं करीबी करके दिखा देता हूँ आपको, ये पूरे रोड के ऊपर जगह जगह कूड़ा इन्होंने फैलाया हुआ है। तो हम मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारी बात सुनी जाए, हमारा दर्दनाक वाकई हमारे साथ है। हमारे घर में बताया बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बड़े भी हैं, बीमारियां फैल रही हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं हमारे घर में रहने वाले अफराद को। तो तुसी दसो तुहानू जड़ा है मामला है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਭਾਈ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਬੋਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤੇ आप दोस्त अब मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को शेयर करें, और ये मामला जो है ना, अल्लाह करे कि ये इन लोगों के जो लिए जो मुश्किल बनी हुई है, मुसीबत बनी हुई है, और वाकई ये आजकल आपको पता ही है एक मामला बड़ा अजीब सा चल रहा है माशी बहरान का। दूसरी तरफ हम नहीं जाएंगे, सब जानते हैं, क्योंकि कूड़े वाला एक ऐसा मामला है जिससे बड़ों को भी जल्दी बीमारी लगती है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर हो और ये पैगाम पहुँचे और जल्दी से मसला हल हो जाए।